दिन हो गए थे हमें लाइव आए हुए, तो इसलिए सोचा कि आज जो है वो लाइव चलते हैं। तो जनाब अपडेट्स मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले कुछ अपडेट्स थी उनके हवाले से बात करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस वक्त आप जो है परपाल पे देख सकते हैं और रिजॉल्ट एक्सप्लोरर पे भी देख सकते हैं कि इस वक्त जो है अप्रोक्सीमेटली 50% रिजॉल्ट जो है 50% एक्सॉल्ट वो होल्ड हो चुका है, वो होल्ड हो गया है इस वक्त स्टैकिंग के अंदर। और मास्टर नोट्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% होल्ड हो चुका है। और अभी जो है इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीज़ ये चीज़ें जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं और भरपाल में जो है हर चीज़ जो है वो स्मूथ हो चुकी है। स्ट्राइकिंग मास्टर नोट्स मेंबरशिप्स उनकी सारी जो वगैरह वो सारी स्मूथ हो चुकी हैं। और इसके बाद जो है अभी मैं नेक्स्ट स्टेप करने जा रहा था। मैंने सोचा कि उससे पहले जो है आपको बता दूं हर चीज के बारे में, गाइड कर दूं ताकि जो है वो आप जो है इस चीज पे गौर कर ले। तो ये चीज है कि भोपाल के अंदर जो है हमने यहाँ पे जो है वो पांच रेफरल्स रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा पांच रेफरल्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा जो है वो नहीं हो सकते। तो जिनके अगर जो है पांच से ज्यादा है रेफरेंस, वो इस तरह करें कि अपने जो है वो रेफरेंस खुद रिमूव कर लें ताकि जो है उनकी जितने भी पुराने सिस्टम के अंदर सेल्स थी वो इधर लेके आई जा सके। अगर जो है आप नहीं करते तो डेफिनेटली हम ऑटोमेटिक बेस पे जो है उसको कर देंगे। जितने भी लोग जिनकी जो है पहले के जो है वो रेफर तो किया था, ना ही उनकी मेंबरशिप परचेज हुई है और ना ही किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उनको जो है ऑटोमेटिकली खत्म कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली सिस्टम से खत्म हो जाएंगे वो आपके नीचे जो है वो जगह खाली हो जाएगी। ऐसा नहीं, खत्म होने का मतलब ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही सिस्टम से डिलीट कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो कंपनी के डायरेक्टली मूव कर दिए जाएंगे। तो अगर आपने को जो है अपने साथ रखना चाहते हैं, पांच से ज्यादा हैं तो उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। तो मैंने जो है इसी के अंदर जो है वीडियो डाली हुई है जिसके अंदर जो है मैंने बताया है कि पांच से ज्यादा रेफरेंस जो है आप कैसे मूव कर सकते हैं। तो बात ये थी कि रेफरेंस की हम जो है सेल्स ग्राफ सारा ऐड करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब सेल्स
एक्स भी जो है वो आएंगे, एक्स भी आएंगे डेफिनेटली। और आप जो है अगर रैंक हासिल करना चाहते हैं डर ये जो ओल्ड सेल थी उसी के बेस पे हो जाएंगे, और तो आपको अपना जो है ये स्टेप लाजमी करना पड़ेगा। और रैंक होल्डर को जो है यहाँ पे एक चीज़ एडिशन की गई है वो ये है कि वो कंपनी के अंदर अमल दखल नहीं दे सकते, ना ही किसी के पास वेरिफिकेशन की एसएस या प्रोफाइल चेंज की एसएस, किसी के पास इस तरह की एसएस नहीं होगी। सिर्फ वो अपना जो है आप कह लें कि सेल्स की बुनियाद पर होगी और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा उनका। और वो जितने भी रैंक होल्डर्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो परपाल कंपनी के पार्टनर्स भी होंगे, यानी कि उनको शेयर में से हिस्सा दिया जाएगा। इस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ कंपनी का हिस्सा होगा वो दिया जाएगा, यानी कि फर्ज कर लेते हैं स्टैकिंग से जितनी भी निकजॉल्ट की अर्निंग होगी कंपनी की वो 5% जो है तमाम ऑफिसर लेवल के इन लोगों में डिवाइड कर दी जाएगी। स्टैकिंग से कंपनी के जितने अर्निंग होगी, मैं इस बात को थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, आपने इस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। स्टैकिंग से कंपनी की जितनी अर्निंग होगी ठीक है, उस हिसाब से 5% जो है वो तमाम यूजर्स के दरमियान में डिवाइड कर दिया जाएगा, तमाम ऑफिसर सुपरवाइजर्स। और इसी तरह सीनियर ऑफिसर्स के लिए कुछ कोटा जो है वो रखा है, और दूसरे लोगों के लिए कोटा जो है बाकी रैंक होल्डर्स के लिए कोटा रखा गया है। वो आप जो है स्पोर्ट के ऊपर आर्टिकल डाल दिया गया है, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये अपडेट थी जनाब, और निकजॉल्ट के हवाले से इंशाल्लाह जो है अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं और बहुत सारी हो रही हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है जिस तरह के मैंने ट्वीट भी किया था और अभी लाइव भी आपको बताऊँगा कि हम जो है वो ट्रेनिंग का आगाज करने जा रहे हैं, और उसमें जो है वो इस तरह होगा कि जितने भी परपाल की मेंबरशिप बेस्ड लोग होंगे उनको ट्रेनिंग जो है वो क्रिप्टोस की ट्रेनिंग की दी जाएगी। और उसमें जो है मैं सारी चीज़ें जो है कोशिश करूँगा कि हर चीज़ जो है तरतीब के साथ शेयर कर सकूँ। वैसे मैं प्रोफेशनल टीचर तो नहीं हूँ, क्रिप्टोस का जो है ट्रेडिंग का प्रोफेशनल टीचर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इसमें ऐसा है कि जो चीज़ें मैं आपको जो है बता सकूँगा बता दूंगा वो एक्चुअली प्रैक्टिकली मैंने सारी जो है वो की होंगी, और डेफिनेटली मैंने स्टडी की थी और तकरीबन 6-7 बुक्स मैंने पढ़ी थी, जो कि एक रात को मैंने बुक दी थी वो 300+ सफ़ों की है, वो मैंने जो है पढ़ी थी और उसमें से काफ़ी सारी नॉलेज जो है मैंने गेन की। वो आपके साथ जो है उसकी जीतर चीज़ें जो है आपके साथ में शेयर करूँगा, और बाकी जो है बुक्स आपके साथ शेयर कर दूँगा ताकि आप जो है वो सारी देख सकें। और ये जितनी भी होगी डेफिनेटली हम जो है ये निकजॉल्ट बेस ही करेंगे, कि निकजॉल्ट से ही आप जो है मेम्बरशिप बाई करेंगे और उसी से ही आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है डिलीवर की जाएंगी। तो ये अपडेट थी जनाब जो कि मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है एक्सएलटी का रेट जो है स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। कल रात जो है मैं देख रहा था काफ़ी माशाल्लाह जो है डिवेलेट्स के अंदर भी हलचल थी और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी हलचल थी इस हवाले से, और काफ़ी कुछ जो है वो अच्छा लग रहा था। तो उम्मीद है कि आप भी इंशाल्लाह जो है वो जल्दी चीज़ें जो है वो आ जाएगी, लाइन पे आ जाएगी। तो जनाब अभी जो है कुछ कॉमेंट्स वगैरह भी देख लेते हैं कॉमेंट्स के अंदर जो है। ओके जनाब अभी जो है वो देखते हैं, कुछ लोग जो है ऐसे आपस की बात है यहाँ पे, तो अभी जो है मुझे लगता है कि मैं इस वक्त रियल टाइप ऑफ पॉलिटिशियन बन चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो तो कहते हैं कि खुदा बना देते हैं। और अगर जो है कोई हिंदू सुन रहा तो कहते हैं भगवान की तरह पूजा करते हैं, और कुछ लोग जो है बहुत ही घटिया समझते हैं, यानी कि अभी मिलती जुलती कम्युनिटी होती है। तो अभी जो है ये मिलती जुलती कम्युनिटी है, और आप कह लें कि जिस तरह डेफिनेटली जो है
बहुत सारे लोग बातें कर रहे होते हैं, अब हर लोग हर बंदे की बात तो सुनी नहीं जा सकती, पॉजिटिव नेगेटिव इग्नोर हो जाती है। तो इसमें इस तरह होता है, पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा गौर करने की कोशिश की जाती है और नेगेटिव को जो है वो खत्म कर दिया जाता है। और मैं नेगेटिव को लोगों पे अपना जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। पहले होता था कभी कि बीपी हाई हो जाता था, ये हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं है। और बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर जो है परपाल से या राणा मोहम्मद नुमान से आपको इतनी जलन है तो आप जो है वो डेफिनेटली अनसब्सक्राइब कर दें यहाँ से, ठीक है ना। वीडियोस वगैरह देखें और ना अपना जो है इस तरह अपना खून जलाए नेगेटिव वेज में जाके। ये तो कह लें कि आपकी नस्ल की पहचान करवाता है कि आपके अपना जो है वो नस्ल क्या है। चलते हैं दूसरा एक्सेलरेटेड रेट के अपडेट होने के बारे में। जनाब मैंने जो है वो बता दिया है कि काफी सारी चीजें जो है वो अलाइन हो चुकी हैं और कुछ पश्तो में भी मैसेज आ रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है पश्तो के अंदर क्या मैसेज आ रहे हैं। और बाइनांस के अंदर जो है वो कह रहे हैं जनाब के पब्लिश होगा, तो एक लाइव करके लाइव में शेयर नहीं कर सकता, लाइव में शेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो अटैच हो जाती है, प्राइवेसी पॉलिसी अटैच हो जाती है, तो इसलिए मैं लाइव वो चीजें शेयर नहीं कर सकता। एक एक्सचेंज के साथ बात चल रही है, उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स काफी सारी थी वो पूरी की जा रही है क्योंकि टॉप 20 के अंदर है। और अपना जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द अज जल्द उन पर लिस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए हमें वो पूरी करनी पड़ती है। अभी जो है निक्सॉल को हमने रजिस्टर्ड करवाया था लास्ट ईयर यूके के, हम लोग जो हैं वो समझते हैं, हम लोग जो हैं वो समझते हैं कि जो क्या होता है इसको, जो क्रिप्टोज हैं, जो क्रिप्टोज हैं उनमें अगर हम किसी को सेंडिंग और रिसीविंग कर देते हैं यानी पेमेंट सेंड कर देते हैं वो ट्रेस नहीं होती, ऐसा नहीं है।